हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। उत्तराखंड के चमोली में कुछ दिन पहले ही ग्लेशियर फटने से भारी तबाही हुई थी। खबरें थी कि लगभग 200 के आसपास वहां के मजदूर थे जो लापता हो गए थे। कुछ लोगों की मौत की खबर भी आई थी। किसी ने इस पूरे हादसे में अपना बेटा खोया था, किसी ने पिता खोया था, किसी ने बेटी खोई थी तो किसी ने अपनी माँ को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। इन सब के बीच में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद आगे आए हैं और उन्होंने ऐसे ही एक परिवार की चार बेटियों को गोद लेने का ऐलान किया है। दरअसल इस पूरे हादसे का शिकार टिहरी जिले के आलम सिंह भी हुए थे। आलम सिंह अब इस दुनिया में नहीं है और अपने पीछे वो अपनी चार बेटियों को छोड़ गए हैं। जाहिर सी बात है, किसी के सिर से पिता का साया उठ जाए तो फिर उसकी जिंदगी कैसी हो जाती है ये आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है। मतलब ये समझ लीजिए, जिंदगी पहले से ही अगर इतनी मुश्किल है कि आप एक मजदूर के परिवार में आपने जन्म लिया है और उसके बाद आपके मजदूर पिता भी इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो फिर आपकी जिंदगी कैसी आगे आने वाले वक्त में बीतने वाली है ये आप समझ सकते हैं या हम भी समझ सकते हैं। और यही वजह है कि सोनू सूद आगे आए हैं और उन्होंने आलम सिंह के परिवार की जो चार बेटियां हैं उनको गोद लेने का ऐलान किया है। न सिर्फ गोद लेंगे बल्कि उनकी पढ़ाई का, उनकी लिखाई का, यहां तक कि उनकी शादी तक का खर्चा सोनू सूद खुद उठाएंगे। जाहिर तौर पर एक बहुत अच्छी खबर है उस परिवार के लिए जिसने हाल ही में अपने पिता को खोया है, जिसने अपने बेटे को खोया है, जिसने अपने मुख्य को खोया है। और जाहिर तौर पर सोनू सूद उस परिवार की मदद के लिए आगे आए हैं तो उनकी तारीफ भी हर तरफ हो रही है। बता दें आपको, वो कहते हैं ना कि उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पिता के जाने के बाद चारों बेटियां बिल्कुल अकेली हो गई थी। उनको लगा कि अब उनका पालन पोषण कैसे होगा, लेकिन फिर मसीहा के तौर पर सोनू सूद आगे आए और उन्होंने उन बेटियों को गोद लिया है। इस पूरे मामले को लेकर सोनू सूद ने एक न्यूज पोर्टल से बात भी की है और उसमें उन्होंने कहा, ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो इस मुश्किल समय में आगे आकर मदद का हाथ बढ़ाएं। जिन भी लोगों को इस त्रासदी की वजह से बर्बादी झेलनी पड़ी है उन सभी की हर संभव मदद की जाए। एक्टर की तरफ से उठाए जा रहे इस नए कदम की भी बेहद तारीफ हो रही है और साथ ही साथ लोग अब उन्हें सच में मसीहा के तौर पर देख रहे हैं। वैसे आपको बता दें, ये कोई पहली बार तो नहीं है। अब तक ना जाने कितने लोगों की मदद सोनू सूद कर चुके हैं। ना सिर्फ मजदूरों को उनके घर पहुंचाना हो, जो कि लॉकडाउन में तस्वीरें सामने आई थी, उसके बाद ना सिर्फ जो विदेश में छात्र फंसे हुए थे उनको भारत में लाकर उनके घर पहुंचाना हो, बल्कि अब तो ऐसा लग रहा है कि किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो वो सीधे सीधे सोनू सूद को ट्विटर पर टैग कर देते हैं और सोनू सूद उनकी प्रॉब्लम्स को हल कर देते हैं। किसी बच्ची का ऑपरेशन कराना हो, किसी की सर्जरी करानी हो, किसी की पढ़ाई बीच में अटकी हुई हो, किसी का घर बनवाना हो, मतलब क्या नहीं है जो सोनू सूद इस वक्त नहीं कर रही हूं। और इन सब के बीच में एक बार ऐसा भी एक मामला सामने आया जिसमें एक शख्स ने सोनू सूद से कह दिया कि मेरे गांव में बंदर का आतंक है, उस बंदर को पकड़वा दीजिए। तो सोनू सूद ने उस शख्स की मदद करते हुए प्रशासन को इस बारे में जानकारी दी और फिर उस बंदर को पकड़ लिया गया था। तो मतलब कुल मिलाकर एडी से लेकर चोटी तक हर तरीके की मदद सोनू सूद जितना उनसे बन पा रहा है वो कर रहे हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने चमोली हादसे में एक शख्स ने जिसकी जिंदगी रुखसत हो गई उनकी चार बेटियों को गोद लिया है, तो उनकी तारीफ हर जगह हो रही है। इस पूरी खबर को आप किस तरह से देखते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं।